एवरीवन, तो आ गए हैं हम सुबह सुबह। आज है 20 अक्टूबर और किकी आ गई है पिजन देखने। और किकी को एक पिजन दिख गया है, किकी उन्हीं को देख रही है। किकी का तो दिन बन गया सुबह सुबह ही। हमने किकी के किकी नोटिस एवरीथिंग अबाउट पिजन। इस वक्त यही देख रही है पिजन जा कर रहा है। किकी के पास क्यों नहीं आ रहा? ऊपर चले गए दो पिजन, एक पिजन ही आ रहा है किकी। तो अयान के स्कूल में दशहरा सेलिब्रेट हो रहा है, तो कुछ कैरेक्टर बन के जाना था, तो हमने अयान को बना दिया हनुमान जी, क्योंकि अयान को गदा से पीटने का बड़ा शौक था। तो अयान पूरे रूप में आ गया आज। तो आज निक्की और मेरा फास्ट है, तो हम अंगारी का काम कर रहे हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ हमारी अंगारी हो गई है। यहाँ पर मम्मी चाय पीते क्योंकि मम्मी का फास्ट नहीं है। तो हमारी पूजा की तैयारी हो चुकी है और कौर भी गर्म हो गई है। फूल पत्ते, पान का पत्ता भी तैयार है, भक्ति गीत चालू हो गए हैं और माता भी सज गई हैं अच्छे तरीके से। तो अब हम लोग पूजा करेंगे। ये हमारी पूजा हो गई है और ये देखिए यहाँ पे भोग लगाते हुए निक्की। इसके बाद किक्की भी आ गई है, उसे भी पूजा में थोड़ा इंटरेस्ट था तो हमने उसको बिठा लिया साथ में। तो किक्की भी पूजा करते हुए, तो अब हमारी सुबह की पूजा पूरी हो गई है। इसके बाद अब निक्की करेगी सफाइयाँ, तो क्योंकि काम वाली नहीं आई है तो यहाँ पे निक्की कर रही है सफाई, झाड़ू लगा रही है। यहाँ पे निक्की कर रही है व्रत का नाश्ता, जिसमें की है मूंगफली, चिप्स, नमकीन और चाय स्टील के गिलास में। और इसके बाद निक्की गई किक्की को नहलाने के लिए बेसन से। यहाँ पर किक्की हो गई है, तो ये किक्की अब नहाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आज रो नहीं रही है तो अच्छी बात है। तो इसके बाद ये हम लोग पान मंडी से लेके आए थे, जो कि रिमोट से चलता है। इस पर अलग अलग कलर चेंज होते हैं। ये एक डेकोरेटिव आइटम है, ये देखिए, ये केवल 250 रुपीज़ का था, तो अलग अलग कलर इसमें आ जाते हैं। सबसे अच्छी बात है ये चार्ज होता है, इसके साथ एक केबल मिली है जिससे चार्जेबल है और ये रिमोट के थ्रू ऑपरेट होता है, तो काफ़ी अच्छा आइटम लगा हमें। और इसके बाद हम गए अयान को लेने, जो कि आज हनुमान बना हुआ था। तो ये देखिए, उसके बाद इसने थोड़ी बहुत स्लाइड्स करे जो इसे अच्छे लगते थे। फिर हम घर आए तो यहाँ देखा किक्की को आज चाहिए था पेन, क्योंकि उसे पढ़ाई लिखाई नहीं करनी थी, किक्की को बस पेन चाहिए था, पेंसिल, बेसिकली पेंसिल मुँह में डालनी थी इसको, तो निक्की उसे दे नहीं रही थी, तो इसलिए वो हल्ला मचा रही थी, रो रही थी। चल लिखना शुरू कर दे किक्की, अब मुंह में लग जाएगी। निक्की को यहाँ लग रही है बहुत भूख। और अब यहाँ हो रही है शाम की तैयारी खाने की। तो ये देसी घी बिल्कुल गर्म हो चुका है, खीर बन चुकी है। देसी घी में जाएंगे आलू, इससे पहले आलू को भिगो लिया है स्लाइस करके, क्योंकि पकौड़ियाँ बननी है। पकौड़ी बन चुकी है निक्की, कुछ कुछ पकौड़ी बन चुकी है, कुछ अब बना रही है। ये बिल्कुल गरम गरम घी के अंदर इसने डाल दिए, देसी घी है, हम लोग देसी घी में ही बनाते हैं सारा खाना व्रत का। और ये कुछ कुछ सेक रही है निक्की, तो यहाँ पे ये बन के तैयार हो जाएंगी थोड़ी देर में, थोड़ी देर लगेगी इसे सिकने में। ये देखिए ये सिक रही है, और सिकने के बाद ये जाएंगे कपड़े के अंदर, क्योंकि हम पूजा करने के बाद इन्हें खाएंगे। यहाँ पे निक्की बना रही है आलू की सब्ज़ी, क्या बोलेंगे इसे, सूखे आलू की सब्ज़ी, सिर्फ काली मिर्च रहेगी। और यहाँ पे निक्की बना रही है पूरियाँ। किक्की जॉइन्ड अस ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ नवरात्रा फास्ट। माता रानी कह रही है क्या कर रहे हो तुम, व्रत खोलना नहीं है तुमने। तो ये एक और पूरी जाते हुए मदर डेयरी दूध की पॉलिथीन का अगर किसी को यूज से अच्छे से पता है तो वो है निक्की। वो देखिए ये कितने अच्छे से इसको यूज रिप्लेस कर रही है, व्रत वाली पॉलिथीन है सेम। तो उससे क्या हुआ, मतलब एक्सपीरियंस है तुम्हें, संभाल के रखी मैंने लाइक दिस रीसाइक्लिंग में चला। यहाँ पे निक्की पूरियाँ सेकती है, पहली पूरी सिकने जा रही है। तो ये देखिए घी के अंदर पहली पूरी सिक रही है, अब ये थोड़ी देर में पूरी सिकनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल फूल गई है पूरियाँ, और ये बहुत ही बढ़िया लगती है, एकदम सॉफ्ट होती है, मतलब नॉर्मल पूरी से भी ज़्यादा सॉफ्ट होती है जो मैंने खाई है, इसकी खास रेसिपी है। तो यहाँ पे हमारी लास्ट पूरी बनने वाली है, सेकंड लास्ट बेसिकली, एक और पूरी का आटा रह गया है। तो यहाँ पे निक्की इसको इस तरीके से बनाती है, तो आप देख लीजिए कैसे बनाती है निक्की।
देखो गाइस, ऐसे बनाती है निक्की। ऐसा जरूरी नहीं है आपको मदर डेरी काउ मिल्क की रैपर ही लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है। निक्की, इसमें आटा कौन सा मिक्स है? सिंघाड़े का और कुट्टू का। कितनी कितनी क्वांटिटी? सिंघाड़े का ज्यादा लिया है क्योंकि कुट्टू गर्म होता है ना, तो 3/4 1/4। हाँ ऐसा कर सकते हो। तो और सिंघाड़े के आटे से कुरकुरी भी बनेगी। तो 3/4 आप सिंगाड़ा आटा लीजिए, 1/4 कुट्टू का आटा। तो देखिए आपकी पूरी ऐसी बनेगी जैसे पैड में पूरी, देखिए पूरी देसी घी में बन रही है। हमारे यहाँ चलता है देसी घी, काफी लोगों के यहाँ नहीं भी चलता। हमारे यहाँ रख का सारा खाना देसी घी में बनता है। तो यहाँ पे हमारी पूजा कंप्लीट होते हुए हमारा नवरात्र खोलने का टाइम हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे निक्की माता को भोग लगाते हुए, जिससे हमारी पूजा कंप्लीट हो जाएगी। ये हो गया भोग, ये देखिए ये। और यहाँ हमारी छोटी माता जो कि किक्की, वो लगी पड़ी है अपने कामों में, ये देखिए। और अब हमारी प्लेट सज चुकी है, सुबह से खाना नहीं खाया तो अब हम खाएंगे पूरी, पकौड़ी और खीर, और ये रही हमारी सब्जी। तो ये देखिए बहुत बढ़िया खीर बनी थी, सब्जी बहुत बढ़िया बनी थी। कैसा बना निक्की? वैसे तो तुमने बनाया। तो यहाँ पर व्रत खुलने के साथ ही हमारा ब्लॉग आज का एंड होता है। तो आपको अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हम कल फिर मिलेंगे। थैंक यू ऑल।